हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल बी एक्सप्लेन सो लर्न टू नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस्टर बाई ने धतूरा स्नेक को मार दिया है और तांग्या ने भी फाइनली उसकी स्प्रिट सोल्ड्रिंग को अब्सॉर्ब कर ली है। यू हाओ और मिस्टर बाई बहुत सारी बातें भी करते हैं, जिसमें यू हाओ को पता चल जाता है कि तांग्या तैंग सेक्ट की मास्टर है और बेशक उसकी सोल मास्टर ब्लू सिल्वर ग्रास है, लेकिन श्री गॉड तैंग सेंग के लेवल तक पहुँचने में अभी उसे बहुत समय है और इन दोनों में बहुत अंतर है। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यू हाओ बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सोल पावर का यूज कर लिया होता है। इसलिए मिस्टर बाई उसे नीचे बैठा देता है और अब मिस्टर बाई उसे हील करने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आगे तांग्या को देखता है। अब मिस्टर बाई उसकी मार्शल सोल के बारे में पूछता है तो यू हाओ उसे बताता है कि उसकी मार्शल सोल एक म्यूटेटेड सोल है जो कि कीन आइज है और ये एक स्पिरिचुअल टाइप सोल है। अब तांग्या उसे कहती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जिसे सुनकर यू हाओ काफ़ी खुश हो जाता है। दरअसल तांग्या उसे ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे यू हाओ की कुकिंग स्किल्स काफ़ी पसंद आती हैं। फिर मिस्टर बाई उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो यू हाओ कहता है कि मेरा कोई नहीं है, वो इस दुनिया में अकेला ही है, जिसे सुनकर तांग्या उससे उनका सेक्ट ज्वाइन करने को कहती है और वो यू हाओ को बताती है कि हमारा सेक्ट वोलो कॉन्टिनेंट का नंबर वन सेक्ट है और हमारे सेक्ट के पास ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें काफ़ी सूट करती है और हमारा सेक्ट द तैंग सेक्ट है। वो उसे बताती है कि हमारे सेक्ट को तैंग सेंग ने बनाया था और उन्होंने फ्यूचर सोल मास्टर्स को नई दिशा भी दिखाई थी और उन्हें सॉलिड फाउंडेशन और टेक्निक्स के कारण 4 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट से लड़ पाए थे और पूरे लैंड यूनिफाइड कर सके थे। माना कि तैंग सेक्ट अब डिक्लाइन पोजीशन में है, लेकिन अब भी हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो किसी और के पास नहीं है। वो तैंग सेक्ट की बनाई गई टेक्निक्स को सिखाने का भी वादा करती है, जिसे गोस्टली ट्रेस, टेबल पर्पल आइस, जुआन यूज हैंड्स, ये सब जुआन तैंग रिकॉर्ड्स हैं और ये अभी तक तैंग सेक्ट के पास हैं जब तैंग सेंग ने बनाए थे। फिर वो उसे ये भी बताती है तैंग सेक्ट में मैं और मिस्टर बाई ये बच्चे हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तैंग सेक्ट की उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वो उसे ये भी बताती है कि श्रक एकेडमी जो कि सबसे ताकतवर एकेडमी है वो तैंग सेक्ट से जुड़ी है, जिससे कि तैंग सेक्ट को हर साल वीआईपी सीट मिलती है, जिससे किसी का भी एडमिशन श्रक एकेडमी में करा सकते हैं। ये सब सुनकर यू हाओ तैंग सेक्ट को ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है और वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब वो सब फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हैं, रास्ते में मछलियाँ पकड़ते हैं। मिस्टर बाई अपने पावर का यूज़ करके एक ही बार में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और अब ये तीनों मछलियों को पकाने लगते हैं, लेकिन तांग्या जो कि कुकिंग में बहुत बुरी थी वो अपनी मछली जला देती है, इसलिए यू हाओ उसे अपनी फिश दे देता है ये कहकर कि उसके पास बहुत सारी हैं। वो तीनों जंगल में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब मिस्टर बाई उसे खाने के बाद उसे पर्पल डिमन आइज, जुआन यू हैंड्स एंड गोस्टली ट्रीज टेक्निक्स दिखाता है और सीक्रेट वेपन का यूज़ करना भी बताता है। फिर ड्रैगन क्रचर क्लॉक का यूज़ करता है और यू हाओ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मिस्टर बाई उसे ये सब सिखाने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी बहुत कमज़ोर है, इसकी वजह से वो अच्छे से नहीं सीख पा रहा था। अब ऐसे चलते चलते उन्हें कई दिन लग जाते हैं और उनमें अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। बीबी यू हाओ की पूरी मदद कर रहा है उसको हील करने में, कल्टीवेट करवाने में और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में। बीबी नोटिस करता है कि यू हाओ की मेरेडियंस नैरो बहुत थिन है और अंदर बहुत चीज़ें गड़बड़ हैं इसकी मेरेडियंस में। इसके पास जो फिज़िकल टैलेंट है वो तो एकदम बेकार है, लेकिन फिर भी वो तीनों आगे चल रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। वो अलग अलग रास्तों से होते हुए श्रिक सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं और तांग्या यू हाओ को बताती है ये वो जगह है जहां से बड़े बड़े लोग पढ़कर निकले हैं। यू हाओ इसको देखकर बहुत खुश है कि उसकी सोल मास्टर बनने की जर्नी अब शुरू हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।